मैं अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप काफ़ी साल तक ग्रेटर नोएडा में बने रहे ताकि हमारा शहर का जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा और तेज गति से विकास होता रहे। आपको लगभग 3 साल की होने जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, आपको फिर एक बार बधाई। सर हम ये जानना चाहेंगे आज आपने ये जो सम्मान के सहयोग से ये जो बैटरी ऑपरेटेड ये जो रिक्शा है जो चलाई है कि उसका क्या उद्देश्य है, ये कितनी रहेंगी? इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि सेक्टर से मार्केटिंग प्लेस पे या जहाँ से बस पकड़नी है वहाँ पे आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा की दिक्कत थी और इसके लिए जो सेक्टर में रहने वाले लोग हैं उनसे निरंतर इसकी मांग होती रही थी। तो ये हम लोगों ने बैटरी ऑपरेटर रिक्शा इसलिए किया है कि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा और इस पर चलने में सुविधा होगी। तो घर में बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था के लिए ये हम लोगों ने बैटरी। सर एक वाकई में सराहनीय प्रयास है, लेकिन इससे पहले भी ऐसा प्रयास किया था, वो केवल साल या 1.5 साल में वो जो है कि वो बंद हो गया। तो ये 10 साल तक चलता रहे, इसके लिए आपने कुछ योजना बनाई है? ये निरंतर चलता रहेगा। इसके जो पिछले बार चलने से रुक गए थे उसके क्या कारण थे उसका अध्ययन करने के बाद तब हम लोगों ने इस बार इसका शुभारंभ किया। जी, तो सर ये सर क्या आपको पूरे ग्रेटर नोएडा जो क्षेत्र है उसमें ही चलेंगी? इतना जल्दी कर रहे हैं, पसंद करेंगे जी जी, और उनका सकारात्मक इसमें ये आएगा कि हाँ इससे उनको सुविधा हुई है जी जी, तो पूरे ग्रेटर नोएडा में चलेगा। सर नॉलेज पार्क में आप जानते हैं लगभग 40 के तौर पर यह चलाया गया है जी जी, अगर लोग इसे स्वीकार करेंगे तो इसका विस्तार किया जी। सर नॉलेज पार्क में लगभग 40-50 हज़ार बच्चे जो है कि पढ़ते हैं, तो इसमें अभी कितनी संख्या बढ़ाएंगे सर लगभग? अभी हमारा ये है कि फर्स्ट फेज में अभी पायलट के रूप में 50 ऐसे रिक्शे चला जी। सर इंडस्ट्री की शिकायत रहती है कि उनके सेक्टर्स निगलेक्ट होते हैं और वहाँ पे जो कामगार कार्य करते हैं उनके लिए कि सुविधा नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट की मिलती नहीं है, जब गिल्डा साहब साथ में खड़े, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आप क्या कवर कर पाएंगे? इसके लिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट से ही सहयोग मांगेंगे, जो भी इंडस्ट्री है उनसे सहयोग मांगेंगे जिससे कि इन समस्याओं का समाधान हो। सर परजो.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्टील ले लिया राजन।